गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग बेटा, आ जाओ फटाफट से लाइव। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो हेलो हेलो, आ जाओ फटाफट। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, हेलो, आ जाइए फटाफट से। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं सब? हेलो बेटा, हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? जो हमारे टॉप एमसीक्यूज है, जो हर बार लगभग नीट में आते ही आते हैं, यहां से नीट में सवाल पूछा ही जाता है, उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी आ जाइए हमारे यूट्यूब लाइव सेशंस में, जबरदस्त सेशन होगा। आ जाओ फटाफट, चलिए स्टार्ट करेंगे। विल वेट वन मोर मिनट, एक मिनट और वेट करते हैं हम लोग जब तक आ जाएं। लाइव सेशन हमारा, मेरी आवाज सही आ रही है? एक बार फटाफट से बता दीजिए मेरी आवाज सही आ रही है। एम आई ऑडिबल और विजिबल एज वेल एज? मेरी आवाज सही दिख रही है? आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा है सही? पॉल का ऑप्शन आ जाओ, और थोड़ा सा हमें मिस करना पड़ेगा क्योंकि वो सपोर्ट सिस्टम पहले आप लोगों को बताना पड़ेगा मेंटी का क्विज कैसे होता है, तो उसमें काफी लंबा प्रोसेस है, उस वजह से जहां तक है एज पॉसिबल है, जहाँ अकेडमी पर भी स्टार्ट हो सकती है क्लासेज आपकी कल से। तो इसलिए फटाफट से आज की बात है हम लोग यहाँ करके देखेंगे, मोस्ट टॉप एमसीक्यूज की बात हम लोग करेंगे। चलिए, अरे वेरी गुड, हेलो हेलो हेलो, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, सभी को अच्छी आवाज आ रही है, ठीक है। सबसे पहले तो जिसने अभी तक भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम है बायोलॉजी टिप्स, टेलीग्राम है बायोलॉजी टिप्स बाय विवेक सर, और यूट्यूब आपका सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब यहाँ पर जो है वो जरूरी है, मस्ट कंपल्सरी, डेली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हाँ, अभी इसमें रोम पोल नहीं होगा भाई, इसमें कोई रोम पोल नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इसमें कोई खेल भी नहीं होगा, रोम पोल भी नहीं होगा। तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए सर, आज अनएकेडमी की टी शर्ट, हाँ अरे और भी टी शर्ट है भाई, अनएकेडमी की टी शर्ट के अलावा भी टी शर्ट है मेरे पास, तो पहन लेता हूँ कभी कभी। चलो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, रेडी हो? आर यू रेडी गाइस? हाउ इज द जोश? रेडी? जल्दी से बता दीजिए एक बार, फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, रेडी हो आप लोग? जल्दी से थम्स अप कर दीजिए एक बार, फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, रेडी हो आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, सवाल क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक आएंगे, जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए, फटाफट से आ जाइए, बिल्कुल हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं हमारा। चलिए बहुत अच्छा, शाबाश, जबरदस्त। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की बात आती है हमारे पहले एमसीक्यू से बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और शानदार क्वेश्चन होंगे, एक एक का सोच सोच कर जवाब दीजिए। और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो नीट में आ चुके हैं, पहले भी PYQ में आ चुके हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है आप लोगों के पास, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमोंग द फॉलोइंग अबाउट द ह्यूमन टंग, हमारी टंग के बारे में आप लोगों को गलत बताना है, इनकरेक्ट बोला है, गलत कथन बताइएगा। चलो आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, एक बार फटाफट से जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग, इनमें से गलत कथन बताइएगा ह्यूमन टंग द हमारी जीभ के बारे में। चलिए 5 4 3 2 1, देखिए बिल्कुल आप लोगों को पता होगा यहां पर ऑल पैपिली ऑफ ह्यूमन टंग बी ए टेस्ट बर्ड, ऐसा तो नहीं है सारे पैपिली जो है वो टेस्ट बर्ड कंटेन करते हैं, ऐसा नहीं है। ये सवाल जो है वो नीट में आ चुका है, 2012 का PYQ था। जरूरी नहीं कि सारे पैपिला जो है वो ह्यूमन टंग या हम बोले टेस्ट बर्ड कंटेन करते हैं, ऐसा नहीं है। 3 तरीके के पैपिला होते हैं, सरकम वेलेट, फंजी फॉर्म और फिली फॉर्म। वेरी गुड, शाबाश बच्चे। दूसरा ईसी बोले तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू द, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए ईसी जल्दी जल्दी जितना रैपिड हो सकता है उतना कीजिए, अभी हम लोग धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे, 50 से हम लोग 100 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, 100 क्वेश्चंस की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बराबर, अब आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए आप लोगों के पास 5 सेकंड है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बराबर क्या होता है, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। हाँ चलिए बिल्कुल, पोल जो है पोल का सिस्टम मेंटी क्विज का बताना पड़ेगा आप लोगों को पहले, उसके लिए एक वीडियो आज डाल देंगे कि उसमें किस तरीके से आप लोग करना हो, क्योंकि वहाँ पे कोड जनरेट करना होता है और उस कोड से आप लोग एंटर कर पाते हैं। तो आज एज पॉसिबल है आज आप लोगों को बता दिया जाएगा किस तरीके से मेंटी का जो है क्विज होगा, ठीक है। चलिए तो दूसरा सवाल ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और अब तक आंसर आ चुका होगा बिल्कुल, ईसी बराबर क्या होता है, बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, ERV + TV, हाँ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम दोनों का मान क्या होता है। चलिए अच्छा ईसी की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा ईसी की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ईसी की वैल्यू, हाँ ईसी की वैल्यू बताइएगा, ईसी की वैल्यू। चलिए बहुत ही अच्छा, शाबाश जबरदस्त, चलिए वेरी गुड शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अपेक्स ऑफ हर्ट इज द, अपेक्स ऑफ हर्ट, हर्ट का अपेक्स किधर होगा, ठीक है। चलिए अच्छा सवाल, 5 सेकंड है आप लोगों के पास, अपेक्स ऑफ हर्ट, अब आप सबको पता है हर्ट जो है वो कुछ इस तरीके से सिचुएट होता है, ऐसा सिचुएट है हर्ट, ठीक है। हालांकि हम लोग थोड़ा सा इसको हमेशा टेढ़ा ही बढ़ाते हैं, निब्बा निब्बी वाला हर्ट नहीं बनाना हम लोगों को। अगर हम बात करें ओरिजिनल हर्ट की बात करें तो कुछ इस तरीके का हर्ट आप लोग देखेंगे, निब्बा निब्बी वाला हर्ट जो होता है वो इस तरीके का बढ़ा देते हैं, वो हमारा दिल तुम्हारे पास है वैसा करता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। एक्चुअली जो हर्ट का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है बच्चे, ठीक है। अब बात करें तो हर्ट हमारा टेढ़ा है, तो अपेक्स ऑफ हर्ट किधर की तरफ होगा, बिल्कुल लोअर और टाइटल टुवार्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में कुछ इस तरीके से मुड़ा रहता है, टेढ़ा अपेक्स, बेस की बात कर रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से। तीन सही, चलिए शाबाश बहुत बढ़िया, अपेक्स ऑफ हर्ट मोस्ट प्रोमिनेंटली, हाँ अपर देखो इस तरीके से झुका हुआ रहता है हर्ट, कभी भी ऊपर ऐसे सीधा नहीं है वो, हर्ट जो है हमारा इस तरीके से झुका रहता है, ठीक है। चलिए अगला, कलर विजन इन मैन, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये एम्स में बहुत बार पूछा गया है, कलर विजन इन मैन किस तरीके का विजन होता है, NCERT की एक लाइन भी लिखी हुई है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, 5 सेकंड, यू हैव 5 सेकंड, कलर विजन जल्दी से बता दीजिए, शाबाश बहुत बढ़िया बेटा, किस तरीके का होता है, बिल्कुल कलर विजन होता है ट्राइकोमेटिक, वेरी गुड इज द राइट आंसर, ट्राइकोमेटिक, हम अलग अलग कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। व्हाट इज द ऑक्सीटोसिन एंड ADH, वेयर इज द सॉरी Where is the oxytocin and ADH synthesized? Oxytocin और ADH जो है, ADH का दूसरा नाम क्या होता है? Vasopressin होता है, Vasopressin होता है। Oxytocin का दूसरा नाम क्या होता है? Pitocin होता है। और दोनों कहाँ synthesized होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से आंसर करेंगे। कहाँ synthesized होते हैं? Both are synthesized in the where is the oxytocin and Vasopressin, या हम जिसको बोल रहे हैं ADH, Pitocin और Vasopressin कहाँ synthesized होते हैं? जल्दी से बता दीजिए। Very good, शाबाश बेटा।
सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस, सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस से, और रिलीज मैं अगर बोलूं रिलीज कहां से होते हैं तो क्या आंसर आएगा बेटा, जल्दी से बता देंगे, रिलीज फ्रॉम द कहां से होता है, रिलीज कहां से होगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा, रिलीज फ्रॉम द पोस्ट पिट्यूटरी, जिसको आप क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। अच्छा, एंगर कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है, एंगर कंट्रोल सेंटर, एंगर, हंगर, हाँ, और उसके अलावा भी टेम्परेचर, ये सारे कंट्रोल सेंटर भी कौन सा होता है, ये भी आपका हाइपोथैलेमस ही होता है, याद रखिएगा, ये भी क्या होता है, हाइपोथैलेमस ही होता है, सारे जितने भी आप बोल रहे हैं कंट्रोल सेंटर की बात बोल रहे हैं, हाइपोथैलेमस ही करता है, शाबाश। नेक्स्ट, स्पर्मेटोगोनियम अंडरगोज द, स्पर्मेटोगोनियम अंडरगोज द डिवीजन ऑफ द, आपको सबको पता होना चाहिए स्पर्मेटोगोनियम कैसा होता है, आपका डिवाइड होगा स्पर्मेटोगोनियम 2N होता है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम ही होता है, और स्पर्मेटोगोनियम जो है वो किस तरीके का डिवीजन करता है, चलिए जल्दी से बता देंगे, स्पर्मेटोगोनियम अब आपको याद होना चाहिए, हम लोगों ने बात करी थी स्पर्मेटोगोनियम माइटोटिक डिवीजन करता है और फिर दो बार माइटोटिक डिवीजन करता है और क्या बना लेता है, स्पर्मेटोगोनिया बना लेता है, क्या बना लेता है, स्पर्मेटोगोनिया बना लेता है, और ये भी कैसा होता है, ये भी 2N होता है, तो यहां कैसा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होता है, वेरी गुड, ठीक है, यहां कैसा डिवीजन हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, शाबाश, ये तो पता होगा ना, हाँ। अच्छा, मैं अगर यहां बोलू ऊगोनियम, ऊगोनियम बोलू ऊगोनियम अंडरगोज द डिवीजन तो क्या आंसर आएगा, ऊगोनियम, या हम बोले आपका ऊजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, बिल्कुल यहां पर तो भी माइटोसिस ही आंसर आएगा, ऊगोनियम का भी माइटोसिस ही होता है। नेक्स्ट, लिंकेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, क्वेश्चन नंबर 7 रैपिड चलेंगे, लिंकेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन द, कल भी बताया था इसके बारे में, लिंकेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन द, चलिए जल्दी से बता देंगे, लिंकेज, वेरी गुड, यू हैव 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, जल्दी से बताएंगे, लिंकेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन द, बिल्कुल, कहाँ क्या, स्वीट पी, मीठा मटर, है ना, बिल्कुल, शाबाश, इसका साइंटिफिक नेम भी बताओ मेरे को, जल्दी से इसका साइंटिफिक नेम बताओ, स्वीट पी, साइंटिफिक नेम, जल्दी बताएंगे। नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द चार्ट, ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बता रखा है, प्रिडिक्ट द फॉलोइंग चार्ट, अच्छा किस तरीके का चार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 8, प्रिडिक्ट द फॉलोइंग चार्ट, चलो आ जाओ, पहले तो ये बताओ कि यहां पर जनरेशन गैप हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, इस जनरेशन में कोई भी जो है वो हम बोले कि पेशेंट नहीं था, इस जनरेशन में पेशेंट है और इस जनरेशन में पेशेंट नहीं है, तो पहली बात तो क्या हो रही है, पहली बात तो आप देख पा रहे हो कि सीधी सी बात आपको समझ में आ रही होगी, जनरेशन गैप जब नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव, तो ऑप्शन ए खत्म हो गया यहाँ, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ खत्म हो गया। अब दूसरी बात, यहाँ पर क्योंकि वाई क्रोमोसोम का नहीं है, यहाँ पर सीधी सी बात समझ में आ रही होगी, वाई क्रोमोसोम से, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमेशा जब भी हम एक्स लिंक्ड की बात करते हैं तो फादर से जो है डॉटर में जाता है और मदर से जो है वो उसके सन में जाता है, क्रिस क्रॉस होता है, तो ये कैसा होता है, इट इज टाइप ऑफ कैरेक्टर इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है, चलिए ये कैसा हो जाएगा, यहाँ जो है आप लोगों का ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव सिंड्रोम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गैप नहीं होता है, जनरेशन गैप है, रिसेसिव होगा, बिल्कुल सही आंसर है। एक सेकेंड, कुछ दिक्कत आ रही है क्या कमेंट्स में, चलिए दिक्कत आ रही है क्या, कोई जल्दी से बताएंगे कोई दिक्कत है इसमें, बोलिए कोई प्रॉब्लम इसमें, बहुत आसान होता है ये, आप लोगों को मैंने समझा रखा है, बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है, जब भी पेडिग्री चार्ट की बात करें तो पेडिग्री चार्ट में आप लोगों को क्या देखना चाहिए, पेडिग्री चार्ट में आपको यही देखना चाहिए कि आप जनरेशन गैप हो रहा है या नहीं हो रहा, जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं हो रही, डोमिनेंट है, मदर से आ रहा है, फादर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, वेरी गुड। चल नेक्स्ट, अगला सवाल, ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, अरे नहीं भाई नहीं भूले, किसी को नहीं भूले, सहेली सलील
ना, सब याद है मेरे को, आप लोग सब कुछ याद है, नो टेंशन रहिए, सबके कमेंट भी देख रहा हूँ मैं। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि हम लोग जैसे मैं 3-4 सेकंड आगे हूँ आप लोगों से, आप लोग 3-4 सेकंड पीछे रह जाते हैं। कैसे? क्योंकि ये लाइव जो है आगे आगे चलता है, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा आगे चलना पड़ रहा है। बाकी कमेंट आप लोगों के दिख रहे हैं मेरे को बकायदा सबके, ठीक है, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, कैपिटल लेटर्स दिखो, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और ये बहुत अच्छा सवाल है, आप लोगों को आ चुका होगा, आंसर भी आ चुका है, क्या होगा, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो क्या होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, शाबाश। नेक्स्ट, अगला सवाल, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बनी होती, सीक्वेंस बताना है, इज आर ट्रू सीक्वेंस फ्रॉम आउटर टू इनर, आउटर टू इनर बोला है, बाहर से अंदर की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बता दो, क्वेश्चन नंबर 10, एलिमेंट्री कैनाल सीक्वेंस बोला है बेटा, अच्छा सवाल है, गलती मत करना यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा सवाल है, गलती मत करना, एलिमेंट्री कैनाल का, तो सबसे पहले सीरोसा, लॉन्ग मसल्स, सर्क्यूलर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, चलिए शाबाश। नेक्स्ट, थोड़ा रैपिड चलेंगे, एन आर्टरी इज द, आर्टरी क्या है, एन आर्टरी इज द, 5 सेकंड जल्दी जल्दी, एन आर्टरी इज द, क्या है आर्टरी, जल्दी बताओ, 5, 4, 3, 2, 1, एन आर्टरी इज, चलिए वेरी गुड, आर्टरी क्या होती है, एक थिक वाल्ड होती स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, बिल्कुल क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर के अंदर वर्क करेगी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, अरे यस बेटा, हम मेरे सब याद है आप लोग, गौतमी, ईसा, सोनाली, निकिता, प्रियांशु, सलील, सबके सबके जो है मैं कमेंट देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे से, आप लोग सब याद है मुझे, आप टेंशन मत लीजिए, और एज पॉसिबल एज जहाँ तक अगर हुआ तो शायद हम लोग कल से वापस अनएकेडमी पर ही मिलेंगे, ठीक है, एज पॉसिबल एज जहाँ तक है 99% पूरे पूरे चांसेज है कि कल अनएकेडमी पर वापस स्टार्ट हो जाएगा कुछ, है ना। हाँ, तो वहाँ पर क्या है, आप लोगों की कमेंट जल्दी आते हैं, यहाँ पर कमेंट जो है वो डीले डीले धीरे धीरे आते हैं, तो है ना। हाँ, सब याद है मेरे को, आप टेंशन मत लीजिए, अर्चना, आयु, आयुषी, अंगद, अनुराधा, है ना। हाँ ठीक, चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल थोड़ा रैपिड चलेंगे, अब आ जाओ, डक्टोबेलिनी आर प्रेजेंट इन द, डक्टोबेलिनी बोला कहाँ प्रेजेंट होगी, चलो इस सवाल के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए, डक्टोबेलिनी आर प्रेजेंट इन द, कहाँ होता है डक्टोबेलिनी, क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ प्रेजेंट होगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, किडनी, आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड बोला है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, द जेनेटिक कोड इज द, क्या हो जाएगा, जेनेटिक कोड क्या करता है, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड बोला है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड आरएनए डिटरमाइंस द सीक्वेंस, जेनेटिक कोड क्या करेगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता दीजिए, वेरी गुड, जेनेटिक कोड क्या करता है, बिल्कुल डिटरमाइन करता है किसको, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन, एक सेकंड थोड़ा सा लाइन गलत खींच गई, सीक्वेंस क्या करे, अरे इसे रेजर चाहिए भाई, रेजर, सीक्वेंस क्या करेगा, बिल्कुल आप लोगों को डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला सवाल, ट्रू अबाउट द ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में सही बताओ, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द ट्रू अबाउट ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अब ये सवाल भी अगर आप गलती करते हो तो ये तो आप लोगों का फेवरेट है ना, ये तो सुकून भरा सवाल है भाई आप लोगों के लिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्वेश्चन नंबर 14, ट्रू अबाउट ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और क्या हो जाएगा, दे हंटेड द स्टोन वेपन्स, बिल्कुल वो पत्थरों का यूज करते थे, दे एट फ्रूट खाते थे, दे मिलियन इयर्स अगो लिव्ड इन द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर, शाबाश। 24 आवर डायुरिनल रिदम्स ऑफ आवर बॉडी मेंटेन बाय द, ठीक है, चलिए 24 आवर्स डायुरिनल रिदम्स, आप लोगों का जो पूरा बॉडी का रिदम बना हुआ है वो किसके द्वारा, जल्दी से आंसर बताओ, 24 आवर्स ऑफ ऑल बॉडी मेंटेन बाय द, बिल्कुल क्या हो जाएगा, वेरी गुड बेटा, ए बिल्कुल सही आंसर है, मिलेटोनिन, बिल्कुल सही होता है, मिलेटोनिन के द्वारा
बढ़ाता है। अच्छा मैं बोलूँ अगर यहाँ लव हार्मोन, अरे ये तो तुम्हारा वाला हार्मोन है, लव हार्मोन है ना, निब्बा निब्बी वाला हार्मोन कौन सा है यहाँ पर, निब्बा निब्बी वाला जल्दी बताओ, निब्बा निब्बी वाला हार्मोन कौन सा है, लव हार्मोन कौन सा है ना, नाम ही दे देते हैं ऑफिशियली नाम इसको निब्बा निब्बी ही दे देते हैं अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निब्बा निब्बी वाला कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन जो है वो निब्बा निब्बी हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला सवाल, करेक्ट मैच आप लोगों को यहाँ क्या बताना है, चलिए करेक्ट मैच, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग, आप लोगों को यहाँ सही की पहचान करनी है, कौन कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का बताओ जरा, फंजाई आर करेक्ट मैचिंग बोला है डिपेंडेंट ऑन डेड सबस्ट्रेट, चलो जल्दी से आंसर करो, सेप्रोफाइटिक बिल्कुल सही है, फंजाई डिपेंडेंट ऑन लिविंग पैरासाइट, पैरासाइट भी बोलते हैं, फंजाई सिम्बायोटिक के रूप में रहती है, लाइकिंस बायो बिल्कुल, और रूट ऑफ फायर माइक्रोराइजा, अरे ये भी तो सुकून भरा सवाल है, ऑल ऑफ द अबो बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड है ना। हाँ चलो नेक्स्ट, अगला यहाँ पर आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, करेक्ट ऑर्डर जल्दी से बता दो, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 सा, क्वेश्चन नंबर 17, चलो जल्दी से 5 सेकंड, अरे 1 सेकंड में होना चाहिए, ठीक है बिल्कुल 1 सेकंड में होना चाहिए, बिल्कुल क्या हो जाएगा, पहले जोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक पल में चूना लगाया, बिल्कुल PMC है ना, फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री आप कैसे भी बोल लीजिए, PCM बोलते हैं, PCM ये PMC बोल लीजिए। नेक्स्ट, mRNA इज इन फैक्ट, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से बताएंगे, 5 सेकंड, mRNA इज इन फैक्ट क्या हो जाएगा, अच्छा सवाल है ये, mRNA इज इन फैक्ट, अब देखो कुछ बच्चे जो है यहाँ पर आप लोगों के साथ बताते हैं, mRNA इज इन फैक्ट क्या बोलेंगे, mRNA इज इन फैक्ट, ए गलत है बेटा, ए गलत है, हाँ ए गलत है बिल्कुल, क्या हो जाएगा, प्रोसेस्ड hnRNA, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेस्ड hnRNA, अरे नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है ना, हाँ टी सेट और भी है ना, बहुत सारी टी सेट है, ऐसे कोई एक ही थोड़ी ना है, खेला खेल होता है बेटा, खेल अभी भूले नहीं है ना, खेल को नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को, ए और बी के बीच में नहीं भूलना चाहिए ना, चलो राइट आंसर क्या होगा, प्रोसेस्ड hnRNA, बहुत सारे बेचारे अभी भी भोले बच्चे हैं भूल जाते हैं। चलो ये सवाल बहुत बार आ चुका है नीट में और बहुत बार बता चुका हूं मैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, आपको यहाँ कॉलम्स को मैच करना है, कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 19, चलो जल्दी से बताओ, बताओ 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 जल्दी बताओ, ये तो बहुत आसान सवाल, अरे वाह सिंगल सेकंड में मिलेगा, यहां भी बिल्कुल सही है, हाँ चलिए जल्दी बताओ बिल्कुल, अरे भाई साहब राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आप लोगों को सी बिल्कुल दिख रहा होगा, सी दिख रहा होगा आप लोगों को, सी आप लोगों को मन में आ रहा होगा कि सी को क्लिक कर दे, और जिस जिसके मन में सी क्लिक करने का आ रहा है जल्दी से बताओ, सी क्लिक करने का किस किस के मन में आ रहा है, हाँ सी क्लिक करने का किसको मन में आता है, सी सी क्लिक करने का किसको मन में आता है, नहीं आता क्या, वेरी गुड, चलो राइट आंसर सी नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबो, राइट आंसर देखो ना कहीं भी नहीं मिल रहा है, आप इसको ऑप्शन को मिलाकर देखो, आप ऑप्शन को मिलाकर देखो, 8/3 मतलब पेल्विक गर्डल, और 8/3 पेल्विक गर्डल 22 थोड़ी ना होती है, नहीं होती ना, चलो 3/8 रिब्स 33 थोड़ी ना होती है, नहीं ये भी गलत हो गया, 3/8 कैसे भी मिला लो बेटा, गलत हो गया, नॉन ऑफ दी राइट आंसर क्या हो गया, डी। चलो लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, लिम्बिक सिस्टम 20 लिम्बिक सिस्टम जल्दी बताओ, ये तो 1 सेकंड में होना चाहिए, लिम्बिक सिस्टम में क्या होता है, बिल्कुल आपका अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस, बोथ ए और बी राइट आंसर, बहुत सही आंसर। नेक्स्ट थोड़ा रैपिड, हाँ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विच सक्सीड इन्फंडिबुलम इज द, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विच सक्सीड्स इन्फंडिबुलम, क्वेश्चन नंबर 21 सक्सीड बोला है, चलो किसके आगे है मतलब, है ना किसके आगे मतलब, ये एक स्ट्रक्चर है जिसके आगे होगा, ठीक है चलिए सक्सीड विथ द, अच्छा सवाल, लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ, वेरी गुड शाबाश, सक्सीड विथ द जल्दी लगाओ, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत सारे अभी भी यहाँ जा रहे हैं लाइन के साथ साथ, जा रहे हैं लाइन के साथ साथ, चलते चलो
अरे बेटा एम्पुला, एम्पुला ये स्ट्रक्चर देखो ना, आप लोगों को ये स्ट्रक्चर देखनी चाहिए। हाँ ये देखो, ये इस्थमस हो गया, ये एम्पुला हो गया, और एम्पुला के बाद में क्या आता है? एम्पुला के बाद में आपका इनफंडिबुलम आता है। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विद सक्सीड इनफंडिबुलम, मतलब किसके आगे होता है? एम्पुला के आगे इनफंडिबुलम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर डी, बी बिल्कुल सही आंसर। पोलन सैक डेवलप फ्रॉम द, पोलन सैक डेवलप 22, ये तो सेकंड में खत्म होना चाहिए। पोलन सैक डेवलप फ्रॉम द, पोलन सैक डेवलप फ्रॉम द, पोलन सैक डेवलप फ्रॉम द क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम से होता है पोलन सैक। बोलते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर, हमारी चारों लेयर कवरिंग्स प्रेजेंट होती है पोलन सैक में। आप ये कवरिंग जो है इनको क्या बोलते हैं? ये माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसके अंदर पोलन डेवलप है ना, पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, चलो अच्छा सवाल है। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं? 23, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं ब्लड ग्रुप्स में? जल्दी 5 सेकेंड, यू हैव 5 सेकेंड। देखो डोमिनेंस होता है क्या? 23, क्वेश्चन नंबर 23, डोमिनेंस होता है क्या? बिल्कुल होता है डोमिनेंस। कोडोमिनेंस होता है क्या? बिल्कुल कोडोमिनेंस भी होता है। मल्टीपल एलील होता है क्या? बिल्कुल होता है मल्टीपल, लेकिन आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो नहीं होता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी नहीं होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी, ए बी सी तीनों सही आंसर। सही, चल नेक्स्ट। मैच द कॉलम्स 24, मैच द कॉलम्स, कॉलम्स को मैच करो यहां पर। चलो ये मैंने आप लोगों को प्लेसेंटेशन की ट्रिक डाल रखी है, जल्दी से देख लेंगे। प्लेसेंटेशन की ट्रिक जो है वो डाल रखी है, जल्दी से बताएंगे कैसा जो है। प्लेसेंटेशन की ट्रिक आप लोगों के लिए बता रखी है, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से बताएंगे। 24 का आंसर सी आंसर किस किस के आ रहा है? सी ऑप्शन सी किस किस के आ रहा है? ऑप्शन सी किस किस के आ रहा है? जल्दी से कर दो। अरे बेटा मार्जिनल को पी से मिलाना चाहिए था, पी एम से याद रखना चाहिए था ना बेटा, एक से खत्म हो गया। हाँ सिंगल वन से खत्म हुआ है मार्जिनल, पी एम एक से सिंगल से खत्म हुआ है। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग, यहां पर आप लोगों को बता रखा है ये भी, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग सही की पहचान करो। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग बिल्कुल सही की पहचान करेंगे, बिल्कुल जल्दी जल्दी बता दो। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग कौन सा बिल्कुल सही है? 25, क्वेश्चन नंबर 25, चलिए बताएंगे 5 सेकेंड। बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? इम्ब्रेट, इम्ब्रिकेट और क्रेसिया और गुलमोहर में होता है। 25 थोड़ा रैपिड, चलो नेक्स्ट 26। सब फाइला द नोटोकोड इज प्रेजेंट इन द टेल लार्वा ओनली, द 26 सब फाइला बोला है, नोटोकोड इज प्रेजेंट इन द टेल ऑफ द लार्वा ओनली, किसमें होगा? 26 जल्दी बताओ 5 सेकेंड, जल्दी रैपिड चलो। बिल्कुल किस में हो जाएगा? यूरोकोर्डेटा में होता है, यूरोकोर्डेटा। लार्वा बोले और इंपोर्टेंट सवाल है, सब फाइला का बोले इंपोर्टेंट सवाल होता है यूरोकोर्डेटा। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ नोस्टोकैनेना बिना नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये आप लोगों को पता होगी स्ट्रक्चर। आप लोग जब बनाते हैं तो एक सेल बीच में कुछ इस तरीके की बड़ी बना देते हैं आप लोग, है ना, याद होगा। मैं थोड़ा सा कलर डिफ्रेंशिएट करके बता देता हूँ आप लोग को, कुछ इस तरीके की एक सेल आप लोग अलग करके बना देते हैं, बनाते हैं बिल्कुल, और उसको क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इस सेल को क्या बोलते हैं? चलो बताओ जल्दी बताओ। 27 बिल्कुल, इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड बेटा, हेट्रोसिस्ट बोला जाता है, इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट विच वन फॉलोइंग फीचर ऑफ कैटेगरी इंसेक्टा, इंसेक्टा की कैटेगरी, कॉमन फीचर ऑफ कैटेगरी इंसेक्टा। 28 जल्दी बताएंगे, कॉमन फीचर ऑफ कैटेगरी इंसेक्टा बिल्कुल क्या हो जाएगा? थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स इन द थोरेसिक रीजन, कितने? थोरेसिक रीजन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट थोड़ा ग्लिच, नहीं चलो अगला। फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ इंसुलिन एक्सेप्ट द, फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ इंसुलिन एक्सेप्ट द, इसके अलावा बताना है। 29 इसके अलावा, एक्सेप्ट द जल्दी से बताओ, एक्सेप्ट दिस जल्दी से बताओ,
which of the following are the functions of insulin except this? चल, अरे ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करता है बेटा, इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करता है बेटे, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करता है, याद रखिएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर। इक्लुबेरियम, इक्लुबेरियम ऑफ द बॉडी इज मेंटेन्ड बाय द, क्वेश्चन नंबर 30, इक्लुबेरियम ऑफ द बॉडी इज मेंटेन्ड बाय द, किसके द्वारा मेंटेन होगा, जल्दी बताओ। हमारी बॉडी का मेंटेन आप लोगों ने बता रखा था, सेड सरे सेमी सर्कुलर कैनाल्स और यूट्रिकुलस। थोड़ा रैपिड चलेंगे, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन द, गोल्जी बॉडी का कॉम्प्लेक्स क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स याद होना चाहिए। जितना भी पैकेजिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, वो किसका है, गोल्जी बॉडी का ही है। जल्दी बताओ आंसर, बताओ गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स। जल्दी बताओ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल, क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेटरी वेसिकल, सीक्रेटरी वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है। वेरी गुड। नेक्स्ट निके, निके का मतलब क्या है, निके, ये अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। निके क्वेश्चन नंबर 32, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, और यहां पर आप लोगों को एक वर्ड आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। जल्दी से आंसर करो, पहले तो आंसर करो, फिर बताते हैं आप लोगों को एक शब्द, एक वर्ड जो है वो यहां बहुत ध्यान से देखना चाहिए। निके इज द, क्या है निके का मतलब, जल्दी बताओ, निके इज द, फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव, जहां ये क्या कर रहा है, ये रह रहा है, फंक्शनल रोल जहां प्ले कर रहा है, निके बोलते हैं उसको ना, ये वर्ड जो है इसी से पूरा डिफाइन होगा, फंक्शनल रोल्स। नेक्स्ट न्यूमेटोफोर्स अकर इन द, क्वेश्चन नंबर 33, न्यूमेटोफोर्स अकर इन द, कहां होते हैं न्यूमेटोफोर अकर इन द, कहां है जल्दी से बताओ, 33, न्यूमेटोफोर अकर इन द, 5 सेकेंड, 33, न्यूमेटोफोर्स, अच्छा सवाल, गलती मत करना, बिल्कुल हेलोफाइट्स में होता है, कहाँ होता है, हेलोफाइट्स, शाबाश बच्चे, कुछ बच्चे लगातार सही आंसर कर रहे हैं भाई, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, कुछ बच्चों का बिल्कुल लगातार सही आ रहा है, 101% सही कर रहे हैं वो बच्चे, शाबाश बच्चों, तालियां आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया। चलो मैच द कॉलम्स, कॉलम्स की मैच, मैच कॉलम्स को मैच करो, जल्दी जल्दी मैच कर दो, 34, मैच द कॉलम्स, आराम से होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। The central part of thick filament is not overlapped by thin filament. कौन सा जोन होता है? H जोन होता है। H जोन D1 कहाँ आ रहा है? D1 यहाँ आ रहा है। खत्म। D is the right answer. D बिल्कुल सही होगा। D बिल्कुल सही आंसर होगा। शाबाश। Next. Following initiate the start of metaphase. जो following initiate the start of metaphase. 35. Start of metaphase. चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। स्टार्ट ऑफ मेटाफेज, जल्दी से, 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, जल्दी बताओ, 35, क्वेश्चन नंबर 35, बिल्कुल क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, मेटाफेज में क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, स्टार्ट ऑफ मेटाफेज, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, अलग अलग क्रोमोसोम, क्योंकि बाद में मेटाफेज के बाद में एनाफेज स्टेज आ जाएगी, क्रोमोसोम पूरी तरीके से डिप्लीट हो जाएगी। इन विच डिज लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे एंड इट सर्व क्योज ब्लूइस, ब्लूइस पड़ जाता है, नीला बना हो जाता है, टर्न भूरे हो जाते हैं, लिप्स और फिंगर नेल्स जो है वो ग्रे कलर के हो जाते हैं, सर्व क्योज ब्लूइस, 36, जल्दी से बताइए आंसर। अच्छा, पीलापन आता है तो जॉन्डिस बोलते हैं, पीलापन आता तो जॉन्डिस बोलते हैं, लेकिन जब ब्लूइश कैरेक्टर दिखे और ग्रे कलर का हो जाए तो राइट आंसर क्या हो जाता है वहां आपका, 36, वो निमोनिया हो जाता है। किसके बारे में बात हो रही है, निमोनिया के बारे में बात हो रही है। अच्छा मैं बोलूं, न्यूमोकोकल वैक्सीन वो भी किसके लिए होगी, निमोनिया के लिए लेते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन यूज फॉर निमोनिया, है ना, बहुत बार पूछा जाता है। चलो अगला, BOD इज द मेजर ऑफ,
बीओडी इज द मेजर ऑफ द ब्लैंक स्पेस इन व्हाट, बीओडी क्या मेजर करता है, 37 जल्दी से आंसर बताइए, बीओडी इज द मेजर ऑफ द ब्लैंक स्पेस इन वाटर, बीओडी क्या मेजर करता है, बीओडी जो होता है वो वाटर का ऑर्गेनिक मैटर, क्या मैटर करेगा, ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, मेजर द ऑर्गेनिक मैटर, किस तरीके से जो है ऑर्गेनिक मैटर को मेजर किया जाता है, वेरी गुड। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला है क्या, क्या करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज क्या करता है, 38 जल्दी से बताओ, 38 बताओ, रिकॉग्नाइज क्या करेगा, अच्छा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बिल्कुल क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक रीजन बोलते हैं उनको, अच्छा पैलिंड्रोमिक का कोई एग्जांपल बताएगा क्या मुझे, पैलिंड्रोमिक का एग्जांपल बताओ मुझे, एग्जांपल ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जल्दी बताओ, कोई भी एक एग्जांपल पैलिंड्रोमिक का एग्जांपल, वेरी गुड, काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल है, बहुत बढ़िया, मलयालम हिंदी में लिख देते हैं मलयालम, और भी बहुत सारे नाम है, नमन, कनक, और बताओ, मोम, हाँ चलो मोम भी हो गया, ठीक है और बताओ, और बताओ, डालडा, अच्छा ठीक है डालडा हो गया, ठीक है डालडा हिंदी में हो गया, इंग्लिश में नहीं है डालडा, ठीक है और बताओ, नितिन, ठीक है नितिन भी हो गया, एन आई टी आई एन, ठीक है एन आई टी एन बराबर, ठीक है ओके, और बताओ, अरे मैम तो हो गया, हाँ भाई ठीक है मैम, मैम हो गया, ये लो एम ए एम, ठीक है और बताओ, वाओ, अच्छा वाओ ठीक है, वाओ भी होता है ओके ठीक है वाओ, और डालडा इंग्लिश में होगा बेटा, डालडा इंग्लिश में नहीं होगा, हिंदी में होगा डालडा, हिंदी में, ठीक है काफी शब्द बढ़ जाते हैं, चलो नेक्स्ट, काफी शब्द बढ़ जाएंगे इसके ऊपर। अगला, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज द टेक्निक ऑफ द, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज टेक्निक ऑफ द, 39 चलो जल्दी से बताओ, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जल्दी आंसर करेंगे, बिल्कुल सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, दो सेल्स को क्या कर देते हैं मिलाकर सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट, द इम्यूनिटी कंफर्ड बाय बी लिम्फोसाइट इज आल्सो नोन एज द, बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो इम्यूनिटी आप लोगों को मिल रही है क्या बोलते हैं उसको, चलो इम्यूनिटी कंफर्ड बाय बी लिम्फोसाइट क्या बोलेंगे, 40 क्वेश्चन नंबर 40, बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो इम्यूनिटी मिलती है आप लोगों को जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चलिए वेरी गुड बेटा, जिसको नहीं आता है वो देख लीजिएगा, उसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं उसको, सी बिल्कुल सही आंसर, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोला जाता है, सेल मीडिएटेड सेल्स का होता है बेटा, सेल मीडिएटेड सेल्स का होता है, लेकिन जब बी लिम्फोसाइट बोल दिया और किस तरीके की इम्यूनिटी जनरेट होती है उससे, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी जनरेट होती है, याद रखिएगा ना, हाँ कई बच्चे अभी भी नाम ही ढूंढ रहे हैं, बेटा हो गया नाम वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब आगे चलो ना, है ना, हाँ हो गया बेटा हो गया नाम वाला हो गया, अरे हो गया नाम वाला खत्म हो गया नाम वाला खत्म हो गया, आगे चलो, प्रो इंसुलिन कंटेन्स द 41, प्रो इंसुलिन कंटेन्स द 41 क्या बोलेंगे, प्रो इंसुलिन, चलो जल्दी बताओ, प्रो इंसुलिन कंटेन्स द ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड, ऑल द अबोव, ये सुकून भरा सवाल है, ये सुकून भरा सवाल है, जल्दी बताओ, प्रो इम्यूनिटी में सब कुछ होता है, प्रो इंसुलिन में सब कुछ होता है, ए पेप्टाइड भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है और डी भी होता है, ठीक है सब कुछ होगा वहां। नेक्स्ट, 42 डायापोज क्या है, 42 डायापोज इज द, व्हाट इज डायापोज, व्हाट इज डायापोज, डायापोज का मतलब बताओ, डायापोज का मतलब बताओ, ये खूब अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बता रखा है आप लोगों को, जल्दी बताओ डायापोज क्या होता है, डायापोज का मतलब, वेरी गुड, ए स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट सीन इन द अनफेवरेबल कंडीशंस
इन मैनी जूप्लैंकेटोन स्पीसीज। 42 क्या हो जाएगा? सस्पेंडेड डेवलपमेंट का मतलब कुछ समय के लिए बिल्कुल क्या हो जाना, इनएक्टिवेट हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, इनएक्टिवेट हो जाना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम डायपोज। नेक्स्ट ब्रेकर सिस्ट। ब्रेकर सिस्ट बोला तो क्या आया, जल्दी बताओ, 5 सेकंड जल्दी से आंसर आना चाहिए। ब्रेकर सिस्ट, ब्रेकर सिस्ट, ब्रेकर सिस्ट, जल्दी जल्दी, बिल्कुल क्या बोलते हैं, सैकेरोमाइसिस सेरिबेसी बोला जाता है, सैकेरोमाइसिस सेरिबेसी, सैकेरोमाइसिस सेरिबेसी बोला जाता है। ब्रेकर सिस्ट का नाम ही क्या है, सैकेरोमाइसिस सेरिबेसी। शाबाश। अगला सवाल, चल नेक्स्ट, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान आर द, 44 लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान आर द, 44 क्या बोलते हैं, लाइसिन और ट्रिप्टोफान को क्या बोलते हैं बताइएगा। एक ट्रिक याद होनी चाहिए आप लोग, टीवी मिलपाथ, ट्रिप्टोफान, वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, लाइसिन और ट्रिप्टोफान, ये दोनों क्या होते हैं, ये असेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। ये 10 जो है, ये ट्रिक किसको, ये जिसको याद नहीं है वो लिख लेना, ट्रिप्टोफान, टीवी मिलपाथ, ट्रिप्टोफान, वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, हाँ ल्यूसिन, उसके बाद आपका फिनाइलएलानिन, आर्जिनिन, टायरोसिन और स्टीडिन, ये 10 के 10 याद रख लीजिएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, प्लाज्मोडियम इज, प्लाज्मोडियम इज, प्लाज्मोडियम क्या है जल्दी बताओ, प्लाज्मोडियम इज, 45 कैसी डिजीज है प्लाज्मोडियम, कैसे, अब देखो इसमें बहुत सारे सवाल खेलेंगे अब आप लोगों के साथ, इसमें बहुत सारे सवालों के साथ खेलेंगे, प्लाज्मोडियम क्या है जल्दी बताओ, राइट आंसर प्लाज्मोडियम, बिल्कुल प्रोटोजोअन डिजीज है। चलो अगला सवाल, हाँ टीबी कैसी डिजीज है, टीबी जल्दी बताओ, टीबी, टीबी, टीबी कैसी है, बैक्टीरियम डिजीज है। चल प्लेग कैसा है, प्लेग, प्लेग कैसा है, प्लेग कैसी डिजीज है, प्लेग भी टी बैक्टीरियम ही है। चलो अगला सवाल, स्मॉल पॉक्स कैसी डिजीज है, स्मॉल पॉक्स, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी आंसर, रैपिड आंसर आना चाहिए, स्मॉल पॉक्स, वेरी गुड, वायरस डिजीज है, स्मॉल पॉक्स कैसी, वायरस। अच्छा मम्स कैसी है, मम्स, मम्स, मम्स कैसी है, मम्स, मम्स कैसी डिजीज है, मम्स भी वायरस डिजीज है। अच्छा डिप्थीरिया कैसी है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया कैसी डिजीज है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया कैसी डिजीज है, डिप्थीरिया भी बैक्टीरियम डिजीज है, बैक्टीरियम। अच्छा डिसेंट्री कैसी डिजीज है, डिसेंट्री, डिसेंट्री, डिसेंट्री भी कैसी है, बैक्टीरियम। आगे लेप्रोसी कैसी है, लेप्रोसी, लेप्रोसी कैसी डिजीज है, लेप्रोसी भी आपका बैक्टीरियम ही है। अच्छा आगे चलो अगला, एड्स कैसी डिजीज है, एड्स, एड्स एक वायरल डिजीज है। निमोनिया कैसी है, निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया कैसी है, निमोनिया बैक्टीरियम है। चैट में बाढ़ आ गई है, मैसेजेस की बाढ़, अरे वाह वाह। तो एक सवाल से रैपिड बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, यहाँ भी हम लोग बहुत कुछ खेल सकते हैं, बस ट्रिक याद रखना चाहिए आपको, पंडित, पंडित का टीका न्यू है, पैसे हो जाएगा प्लेग, डी से होता है डिप्थीरिया, टाइफाइड का मतलब है काली खांसी, मतलब वूफिंग कफ, टी का मतलब है टिटनेस, कू का मतलब है कुष्ठ रोग,
न्यू का मतलब है निमोनिया और है का मतलब है हैजा, विब्रियो कोलेरी। याद रखिएगा, सारी चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड, एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड। एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड जल्दी बताओ, एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड 46 वेरी गुड। क्या हो जाएगा? लेसिथिन, लेसिथिन है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल क्या है? लेसिथिन। यहां बिल्कुल सही आंसर, फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है लेसिथिन। नेक्स्ट मैच द कॉलम्स, कॉलम्स को मैच करना है आप लोग। 47 मैच द कॉलम्स, क्वेश्चन नंबर 47 लेसिथिन हो गया। उसके बाद मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, जल्दी जल्दी मैच करो। चलो हो गया होगा 47। आ जाओ देखो, मेटासेंट्रिक बोला है, इसका मतलब जो सेंट्रोमियर है वो कहां होगा? 47 मिडिल में होगा, मतलब कुछ इस तरीके से होगा अरेंजमेंट, हाँ बीचों बीच होगा। मतलब एक तो यहां गया, मतलब ए पर ए मिल रहा है, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक स्लाइट थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, एक्रोसेंट्रिक क्लोज टू इट्स एंड, और टीलोसेंट्रिक में जा रहे। वाह ये तो बहुत सिंपल है, ए पर ए मिलाओ, सीधा सीधा मिलाओ। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, यहां पर फिर से मैच करो। 48 मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, देखो बुंचेरिया को मिलाओ, बुंचेरिया बैंक्रॉफ्टी। आपका क्या होता है बुंचेरिया बैंक्रॉफ्टी? ये फाइलर वो फाइलेरियल वोम होता है, मतलब बीमे टू कहां आ रहा है? बीमे टू यहां आ रहा है। एक सेकंड, सिंगल सेकंड में सवाल खत्म हो गया। बुंचेरिया बैंक्रॉफ्टी, हाथी पांव रोग आप जिसको बोलते हो, हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। एस्केरिस क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइनल राउंडवर्म, एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म और फेरेटिमा अर्थवर्म होता है। रिमेंबर दिस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सार्कोलिमा इज द मेम्ब्रेन फाउंड ओवर द, सार्कोलिमा मेम्ब्रेन कहां पाई जाती है? 49 सार्कोलिमा इज द मेम्ब्रेन, अच्छा सवाल है। सार्कोलिमा इज द मेम्ब्रेन फाउंड ओवर द, कहां पाई जाती है सार्कोलिमा? वेरी गुड 49 सार्कोलिमा इज द मेम्ब्रेन ऑफ, ये पाई जाती है स्केलेटल मसल फाइबर्स के ऊपर। सार्कोलिमा इज मेम्ब्रेन फाउंड ओवर द स्केलेटल मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर के ऊपर पाई जाती है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्केलेटन मसल फाइबर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 50 इन केस ऑफ इमरजेंसी विच ब्लड ग्रुप, इन केस ऑफ इमरजेंसी विच ब्लड ग्रुप कुड बी द सेफली ट्रांसफ्यूज, मतलब आप इसको दे सकते हो, यूनिवर्सल डोनर बोल रहे हैं आप लोग। क्या बोल रहे हैं आप लोग? यूनिवर्सल डोनर बोल रहे हैं। अब आपको पता है पहले एक सवाल आता था कि एक दोस्त जिसको अचानक ब्लड की आवश्यकता पड़ गई है, उसका एक दूसरा दोस्त जो है भाग कर आता है और बिना कुछ सोचे समझे जो है वो क्या दे देता है, उसको ब्लड दे देता है। तो वो कौन सा था? वो बिल्कुल यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव। ओ नहीं, अच्छा आर एच का मतलब समझ गया ना, ये आर एच तो प्रोटीन को बताता है और ओ आर एच मतलब ओ नेगेटिव, ठीक है, ओ नेगेटिव को ही डिनोट करते हैं। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं, लास्ट 5 बचे हैं, और आप लोग मेरे को ये भी बताएंगे लास्ट 5 में से 5 किसके सही हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट में लास्ट में मुझे ये बताएंगे कि 5 में से 5 किसके सही हैं, ठीक है। 5 out of 5 रेडी हैं क्या? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। 5 में से 5 होने चाहिए भाई साहब, होने चाहिए 5 में से 5 सही होने चाहिए। लास्ट 5 out of 5 हो जाएंगे क्या? जल्दी से बता दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, रेडी हुआ आप लोग? चल बहुत अच्छे, शाबाश, जबरदस्त। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 PYQ। अब पांचों के पांचों PYQ हैं, पांचों के पांचों PYQ हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1
When you hold your breath, जब आप अपनी सांस को रोक लेते हैं, which of the following gas changes in the blood? एक सेकंड. Changes in blood would first lead to arg in breath. क्या बढ़ जाएगा अगर आप सांस को रोक लेते हैं? 51. क्वेश्चन नंबर 51. ये मैं बता चुका हूँ. पहला सवाल. ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अच्छे से बता चुका हूँ, जल्दी से बता दीजिए. पहला सवाल बिल्कुल एक सही, शाबाश बेटा. क्या होता है? राइजिंग CO2 कंसेंट्रेशन. हमारे अंदर CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ने लग जाती है, हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है. एक किस किस का सही हो गया? एक सही हो गया. किस किस का सही हो गया? एक जल्दी से बताओ. एक बिल्कुल करेक्ट हो गया है. एक बिल्कुल सही. चलिए दूसरा सवाल. रिमूवल ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुला, अगर आपने पीसीटी को रिमूव कर दिया तो क्या होगा? अब आप देखो पीसीटी को, दूसरा सवाल, पीसीटी को रिमूव कर दिया इसका मतलब वाटर रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा. जल्दी से आंसर करो. वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर वाटर कैसा रह जाएगा? मोर डाइल्यूटेड यूरिन रह जाएगा. ए इज द राइट आंसर. दो किस किस के सही हो गए? दो सही हो गए. मोर डाइल्यूटेड यूरिन कैसा हो जाएगा? दो बिल्कुल सही हो जाएगा. तीसरा सवाल, तीसरा सवाल, सेलेक्ट द आंसर विच करेक्ट मैचिंग स्ट्रक्चर इट्स लोकेशन और फंक्शन के साथ. बिल्कुल सही मिलान किया गया है. तीसरा सवाल 53. चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ 53. जल्दी जल्दी बताओ. बहुत बढ़िया, दो, वेरी गुड, शाबाश 53. जल्दी बताओ, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. हाइपोथैलेमस आप लोगों को देखना चाहिए, कहाँ होता है? फोर आगे की ब्रेन, मतलब अग्र ब्रेन, या हम बोले फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क. हिंदी में अग्र ब्रेन क्या होता है? अग्र मस्तिष्क, सॉरी, है ना. अब देखो हिंदी इंग्लिश कैसे मैच होती है. अग्र ब्रेन, हाँ मतलब सोचो, तो एक्चुअली अग्र मस्तिष्क बोलते हैं हिंदी में. और क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. अर्ग फॉर ईटिंग और ब्रीथिंग, है ना, ड्रिंकिंग, हमारे खाने पीने को, सबको क्या रेगुलेट कर रहा है? बिल्कुल सी बी को. सही. तीन किस किस के सही हो गए? थ्री आउट ऑफ थ्री. किस किस के सही हो गए? तीन में से तीन. तीन, शाबाश, बहुत बढ़िया. चौथा सवाल, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन द. चौथा सवाल, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन द. 54. किस में होता है चौथा सवाल? जल्दी बता देंगे. शाबाश बेटा, स्फेगनम. दूसरा नाम क्या होता है? पीट मॉस बोलते हैं. पीट मॉस, स्फेगनम या पीट मॉस बोला जाता है. स्फेगनम, पीट मॉस, ठीक है. चलो चार में से चार सही, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया. फोर आउट ऑफ फोर, गजब. पीट मॉस बोलते हैं, स्फेगनम या उसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? पीट मॉस. बोथ आर इंडिपेंडेंट. पांचवा सवाल, फाइनल सवाल, आज का लास्ट सवाल. और ये फ्लोरल फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लस जेड के फाइव सी फाइव. हाँ अच्छा, आज मैं इनका ना, आज इनकी एक ट्रिक डालूंगा, आज इन फॉर्मूलाज की एक ट्रिक डालूंगा मैं, है ना. आप लोग टेलीग्राम पर देखना, याद भी दिला देना, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो एक बार मेरे को याद दिला देना, ठीक है. आज इन फॉर्मूलाज की एक ट्रिक डालूंगा जिससे आप लोग हमेशा कभी भी नहीं भूल पाओगे. चलो पांचवा सवाल जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से आंसर कर देंगे. पांचवा सवाल, 5 out of 5, बिल्कुल. ये किसका है? इट रिप्रेजेंट्स द, देखो यहां पर आप लोगों को K5, C5, A5 और G2. टू को पकड़ा करो, टू को पकड़ा करो, पिटूनिया, टू, पिटूनिया हमेशा जी में कितना आता है? पिटूनिया होता है. सी इज द राइट आंसर. ठीक है, चार्ट्स भी आज डालूंगा, चार्ट्स भी डालूंगा आज, मेरे को याद दिला देना, चार्ट्स भी डाल देंगे, ठीक है. चलो तो अब फटाफट से बता दीजिए मेरे को, पांच में से पांच किस किस के सही हुए हैं? बिल्कुल 5 out of 5 किस किस के सही हुए हैं?
जल्दी जल्दी बता दीजिए, 5 out of 5, 5 में से 5। फाइव आउट ऑफ फाइव, फाइव आउट ऑफ फाइव, 5 में से 5। शाबाश, 4, 4, 3, 2, 5, 5, काफी अच्छे, काफी बेहतर, काफी बच्चों के 4, 3, 5, 5 में से 5 बहुत कम बच्चों के दिख रहे हैं, लेकिन मेहनत करते रहिए। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, केवल कुछ 10 दिन के आसपास और समय बचा है, लेकिन मेहनत करते रहिए बच्चों। चलिए, मज़ा आया नहीं आया, हैव यू एंजॉयड दिस सेशन और नॉट, जल्दी से बता दीजिए मज़ा आया या नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए, हैव यू एंजॉयड दिस सेशन और नॉट, मज़ा आया नहीं आया। अच्छा, आप लोगों को इसको लाइक जरूर करना है, लाइक और सब्सक्राइब अब तक जिसने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो फटाफट से कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो फटाफट से कर दीजिए। मजा आया नहीं आया जल्दी से बता दीजिए, हाँ जल्दी से एक बार, और शेयर जरूर करिए बेटा। देखो, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए अभी अभी, इन दिनों में बहुत कुछ जो है आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के चीज़ें लेकर आएंगे, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा अगले कुछ दिन, बहुत ज़रूरी है आप लोगों का सपोर्ट। और आप लोगों को अगर आपने बेटा, आप देखो जिसने साल भर मेहनत करी है और ये केवल 11-12 दिन और अगर मेहनत कर लेगा तो कुछ भी नहीं जाएगा ना, मज़ा आ जाएगा। ये 11-12 दिन अगर और मेहनत कर लेते हैं ज़रूर आप सीट निकाल लेंगे, लेकिन अगर जिसने 11-12 दिन जो है वो खराब कर दिए, वेस्ट कर दिए, तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इन लास्ट ये जो थोड़े से दिन बचे हैं आप लोगों के पास, 11-12 दिन में मेहनत कर लीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। उम्मीद है मज़ा आया होगा। कल से हम लोग YouTube पर 2 सेशन करेंगे, और अगर अनअकैडमी पर स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग अनअकैडमी पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए भाई, हर वीडियो पर कमेंट जरूर करिए, आप लोगों का सपोर्ट ही बहुत ज़रूरी है इस समय। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे, चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। मज़ा आया होगा, उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। हाँ, मैं अभी चार्ट्स डाल दूंगा ना। अच्छा, चार्ट्स को पढ़ना भी है आप लोगों को, चार्ट्स को पढ़ना भी है आप लोगों को, ठीक है। चार्ट्स को पढ़ना, अच्छे से बताना, ठीक है। हाँ, पढ़ के बताना कैसे हैं चार्ट, पढ़ के बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।